कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके पर फिजिकल मुकाबला करेंगे। यही ताकत है, इसलिए मैं कहता हूं ये चुनाव फाइनल है। किसी ने नहीं सोचा था क्या हो जाएगा कल, किसी ने नहीं सोचा था कि छापा पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्या जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है, और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था, जिन्हें वो आज ही चले गए मौर्या जी के डर से, मैं एक एक विधायक, एक एक पूर्व विधायक, एक एक मंत्री का धन्यवाद देता हूँ।